तो अब ये उम्मी जो लफ्ज है इसका मानी क्या है? इसका सबसे बेहतरीन मानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और मैं इसके इससे बेहतर मानी आज तक नहीं समझ सका कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मानी बड़ा बेहतरीन है। कईयों ने मानी किया, कुछ कुछ ना कुछ कहा बीच में ऐसा जो दिल को नहीं भाता था, लेकिन बरे सगीर के अंदर बरेलवी मसलक, देवबंद मसलक, अहले हदीस मसलक, इन तीनों के बड़े, ये तीनों अपनी नस्बत जिनके साथ जोड़ते हैं वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह के बेटे तफसीर लिखते हुए जब इस लफ्ज पर आते हैं तो आप फरमाते हैं उम्मी उसको कहा जाता है जिसका उस्ताद मखलूक में से कोई ना हो, यानी मखलूक में से कोई उनका उस्ताद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को ना किसी मखलूक में से किसी ने सिखाया, ना पढ़ाया, ना कभी कोई ट्रेनिंग दी, ना लिखने की, ना पढ़ने की, ना बोलने की, ना चलने की, ना तिजारत की, दुनिया के किसी फन में हमारे नबी का उस्ताद कोई मखलूक में से नहीं है। इवन के जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी के उस्ताद नहीं है, वो भी खादिम है।